रामायण प्राचीन भारत की सबसे महान गाथाओं में से एक है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय की दास्तान को सुनाता है। रामायण के हर एक पात्र का एक गहरा मतलब है। आइए जानते हैं रामायण के 10 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में। मेघनाथ, मेघनाथ जो कि रावण का शक्तिशाली पुत्र था, वो एकमात्र ऐसा योद्धा था जिसके पास तीनों देवों के अस्त्र थे, यानी कि ब्रह्मदेव का ब्रह्मास्त्र, विष्णु का वैश्वानास्त्र और शिव का पुष्पत अस्त्र। मेघनाद ने अपने गुरु शुक्राचार्य से युद्ध कला में महारत हासिल की और हर तरह के दैवीय अस्त्र प्राप्त किए। मेघनाद को ब्रह्मदेव ने इंद्रजीत नाम दिया था, क्योंकि उसने इंद्रदेव को हराकर स्वर्ग पर विजय प्राप्त की। मेघनाद की युद्ध नीति काफी अलग थी। वो हर युद्ध से पहले खुद को छलावे से अदृश्य कर लेता था, जिसकी वजह से वो युद्ध में अजेय था। यहाँ तक कि रामायण में मेघनाद ही इकलौता ऐसा योद्धा था जिसने श्री राम और लक्ष्मण को हराया था। लक्ष्मण भी मेघनाद को तभी हरा पाया था जब वो अपने छलावे से बाहर आया था। अतिकया, अतिकया रावण का दूसरा बेटा और मेघनाद का छोटा भाई था, जो कि रावण और मेघनाद के बाद लंका का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। एक बार अतिकया ने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को क्रोधित कर दिया, जिससे उन्होंने अपना त्रिशूल अतिकया पर फेंक दिया। लेकिन अतिकया ने बीच हवा में ही शिव जी के त्रिशूल को पकड़कर शिव जी के सामने बड़े आदर से हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। शिव जी अतिकया से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अतिकया को धनुष बाण और दिव्य अस्त्रों का गुप्त ज्ञान दिया। उसने अपने भाई मेघनाद के साथ मिलकर अपने पिता को तीनों लोकों पर विजय करने में मदद की थी। अतिकया काफी शक्तिशाली होता था, लेकिन उसका अंत लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र से किया। वाली, वाली इंद्र भगवान का वानर पुत्र था और सारे वानरों का राजा भी। कहते हैं कि वाली में 70,000 हाथियों की शक्ति थी। और तो और वाली को ब्रह्मा से वरदान मिला था कि जो भी वाली से युद्ध करेगा वो अपनी आधी शक्ति खो देगा। वाली इतना शक्तिशाली था कि उसने एक बार रावण तक को युद्ध में हरा दिया था। लेकिन वाली को पराजित भी श्री राम ने ही किया। वाली के उनके भाई सुग्रीव से युद्ध के दौरान श्री राम ने वाली पर बाण चलाकर उसका वध किया था, और फिर उसके बाद सुग्रीव को वानरों का राजा बना दिया था। सुग्रीव, सुग्रीव सूर्यदेव का वानर पुत्र था। श्री राम की मदद से वाली को हराकर वो वानरों का राजा बना और फिर श्री राम की वानर सेना का सेनापति। सुग्रीव श्री राम की सेना के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक था, जिसने रावण की सेना के कई योद्धाओं को हराया था, जैसे कि कुंभ, निकुंभ, प्रगास, महोदरा और विरूपक्ष। कुंभकर्ण, रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण एक महान योद्धा था, जिसको युद्ध में इंद्रदेव के जितना शक्तिशाली कहा जाता था। रामायण के युद्ध में कुंभकर्ण ने सुग्रीव को हराया था, और तो और वो हनुमान पर भी काफी भारी पड़े थे। कुंभकर्ण 6 महीने सोता और 6 महीने जगता था, और उसका कद काफी विशाल था। युद्ध के अंत में कुंभकर्ण का वध श्री राम ने किया। अंगद, अंगद वाली का बेटा और वानरों का युवराज था। अंगद ने रावण के कई शक्तिशाली योद्धाओं को पराजित किया था, जैसे कि नरनटका, कंपना और रावण के सेनापति महापरशव को भी। अंगद और उनकी मां ने ही सुग्रीव को श्री राम की सीता को ढूंढने में मदद करने के लिए कहा था। लक्ष्मण, लक्ष्मण यानी कि श्री राम के भाई
मित्र और उनके साथी जिन्होंने उनके 14 साल के वनवास से लेकर रामायण के युद्ध तक उनका पूरा साथ निभाया। लक्ष्मण दरअसल शेषनाग का अवतार है जिस पर विष्णु जी आराम करते हैं। वो एक कुशल योद्धा थे जिन्होंने रावण की सेना के बड़े से बड़े योद्धाओं को हराया था। यहाँ तक कि रावण के पुत्र मेघनाथ का वध भी लक्ष्मण ने ही किया था। श्री राम और हनुमान की तरह ही लक्ष्मण पर भी कई दैवीय अस्त्रों का कोई असर नहीं होता था। हनुमान, पवन पुत्र हनुमान शिवजी के अवतार हैं जो कि अत्यंत शक्तिशाली हैं। वो रामायण के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक हैं और श्री राम के सबसे बड़े भक्त भी। हनुमान के लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है, चाहे वो समुद्र फांदकर सीता जी को ढूंढना हो या फिर रावण की पूरी लंका में आग लगाना। हनुमान गदा चलाने में सबसे कुशल थे। ऐसा कोई भी दैवीय अस्त्र नहीं है जो कि हनुमान जी का कुछ भी बिगाड़ सके। रामायण के युद्ध में श्री राम को जीत दिलवाने में हनुमान जी ने अहम किरदार निभाया था। और तो और, उनके भाई लक्ष्मण की जान बचाने के लिए पूरा का पूरा संजीवनी पहाड़ ही उठा लाए थे वो। हनुमान ने रावण के कई शक्तिशाली सेनापतियों को हराया था, जैसे कि अग्निकेतु, देवांतका, अहिरावण, महिरावण और अकंपना। रावण, ऋषि विश्रव का सबसे बड़ा पुत्र लंकापति रावण लंका का राजा होने के साथ साथ तीनों लोकों का सम्राट भी था। रावण सबसे कुशल और शक्तिशाली योद्धाओं में से एक था जिसने यमदेव और मृत्यु को हरा दिया था। रावण ने अपने भाई धन के देवता कुबेर को हराकर उनका पुष्पक विमान ले लिया था। रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने एक बार भगवान शिव को लंका लाने के लिए पूरा का पूरा कैलाश पर्वत ही उठा लिया था। रावण के पास एक ऐसा अमृत था जो वो अपनी नाभि में रखता था, जिसकी वजह से वो अमर और अजय था। कोई भी उसको युद्ध में हरा नहीं सकता था। श्री राम ने युद्ध में रावण की नाभि पर ब्रह्मास्त्र चलाया था, जिसकी वजह से रावण का अमृत सूख गया और उसका अंत हो गया। राम, श्री राम विष्णु जी के सातवें अवतार हैं और रामायण की गाथा के नायक भी। वो राजा दशरथ के पुत्र थे जिनको ऋषि विश्वामित्र ने युद्ध कला की शिक्षा दी और कई दैवीय शस्त्रों का ज्ञान भी दिया। श्री राम का धनुष यानी कि शारंग धनुष सबसे शक्तिशाली धनुष था। रामायण युद्ध में श्री राम ने राक्षस भाइयों खारा और दुसान सहित उनकी 14,000 राक्षसों की सेना को एक घंटे में हरा दिया था। रामायण के युद्ध का अंत श्री राम ने रावण को ब्रह्मास्त्र से मारकर किया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और हमें नीचे कमेंट्स में बताइए, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करें। थैंक यू।